हेलो दोस्तों, ग्लोरियस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्सेल 2016। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक्सेल 2016 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बेहद ही पावरफुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको सीखने के बाद आप अपने काम को एक्सेल पर बड़े ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट आवर ट्यूटोरियल। दोस्तों, एक्सेल को स्टार्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला, विंडो के स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करें, फाइनली आपको एक्सेल का आइकन दिखाई देता है। इस पर क्लिक करते ही आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। दूसरा, दोस्तों, आपको कीबोर्ड पर विंडो आर प्रेस करना है, आपको रन बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ पर आपको एक्सेल टाइप करना है, फाइनली ओके करना है। दोस्तों, आपके सामने एक्सेल ओपन हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों रिसेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ फाइलें शो हो रही हैं। दोस्तों, ये वो फाइलें हैं जो मैंने कुछ ही दिनों पहले या कुछ ही समय पहले एक्सेल पे काम किया था और उसे सेव किया हुआ है। तो दोस्तों, रिसेंट का यही मतलब होता है कि जो भी आपने हाल ही में काम किया है और फाइल सेव की है, वो सारी फाइलें यहाँ शो होती हैं और इस पर आप क्लिक करके अपने काम को फिर से देख सकते हैं या करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ टैंपलेट दे रखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने अपने यूज़र को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर रखे हैं, बशर्ते आपके सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए। आप इन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, पहला टैंपलेट ब्लैंक वर्कबुक है, ये इसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। इस पर क्लिक करते ही आपको एक फ्रेश वर्कबुक मिल जाएगी जिसमें अपना आप काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फार्मूला ट्यूटोरियल। दोस्तों, ये टैंपलेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने अपने यूजर्स को फार्मूला सीखने के लिए दिया है। इसमें फार्मूला से रिलेटेड एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसको ओपन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और सभी फार्मूलाज को जान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ बिलिंग स्टेटमेंट का एक टैंपलेट दे रखा है। दोस्तों, टैंपलेट वो चीज़ होती है जिसमें किसी भी काम का एक फॉर्मेट दिया होता है, जैसे बिलिंग स्टेटमेंट कैसी की जाती है, किस प्रकार से इसे एक्सेल में टाइप किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें दी होती है। बस हमें इसमें अपना डाटा पुट करना होता है और हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट दे रखे हैं और इन टेम्पलेट को आप इंटरनेट के द्वारा अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई काम करना है, वो काम से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट नहीं दिखाई देता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपने टेम्पलेट को यहाँ पे उसका टाइटल रखेंगे और वो यहाँ पे सो जाएंगे। जैसे मुझे रिज्यूम बनाना है और मैं यहाँ पे रिज्यूम टाइप करूँगा और यहाँ पे बहुत सारे रिज्यूम से रिलेटेड टेम्पलेट आ जाएंगे। जो मुझे पसंद होगा, मैं उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा और अपनी डिटेल उसमें डाल कर अपना काम कम्प्लीट कर लूँगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। साइन इन टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ ऑफिस। दोस्तों, ये ऑप्शन, अगर आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें साइन इन होकर के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से हेल्प ले सकते हैं। अगर इसके बारे में कुछ और जानना है तो यहाँ पे ऑप्शन है लर्न मोर का, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके बारे में और कुछ भी आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर हमें नया काम करना है तो हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, हमें नया काम करना है तो हम इस पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक न्यू वर्कबुक स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, यहाँ पे हमें एक सीट मिली है बाय डिफॉल्ट। अगर हमें और सीट चाहिए तो हम इस पे क्लिक करके सीट अवेलेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये है क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। दोस्तों, ये वो टूल होते हैं जो कि हमें बार बार जरूरत पड़ती है, जैसे हमें सेव करना पड़ता है अपने काम को, हमें ईमेल करना होता है, हमें फाइल ओपन करनी पड़ती है, इस प्रकार से कई काम होते हैं जो हमें जल्दी करने पड़ते हैं और उन टूल को हम इन रिबन बार में ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्विकली यहाँ से अपने टूल को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कस्टमाइज का दे रखा ऑप्शन, यहाँ पे जो ऑप्शन चाहिए आपको चेकमार्क लगा दे, जैसे न्यू का ऑप्शन, मुझे बार बार न्यू पेज लेना हो तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे टूल आ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जिस पर चेकमार्क करूँगा मैं, यहाँ पे मुझे जैसे कि ग्रामर मिस्टेक बार बार होती है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो मैं ये ऑप्शन यहाँ पे चेक मार करके टूल यहाँ ला सकता हूँ। दोस्तों, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है मैं उसे अनचेक कर सकता हूँ।
इस प्रकार से दोस्तों आप चेक मार्क लगा के यहाँ पे टूल ला सकते हैं और अनचेक करके आप वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको कस्टमाइज एक्सेस टूल बार का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है टाइटल बार। अगर आप कोई काम करते हैं और अपने काम को सेव करते हैं यानी कि फाइल नेम देते हैं तो यहाँ पर वो फाइल नेम यहाँ शो होती है। दोस्तों यहाँ पे भी वही ऑप्शन आ गया साइन इन। आगे बढ़ते हैं, दोस्तों ये ऑप्शन ऑटो हाइड रिबन है। हम जानते हैं कि रिबन यहाँ से लेके यहाँ तक जो वाइट सरफेस होता है ये सारा ये सब ये रिबन बार कहलाता है। इसको आपको ऑटो हाइड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा और यहाँ पे हमें और जगह मिल जाती है। दोस्तों जब भी हमें लाना होगा हम इस पर क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे और ये ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा रिबन बार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये मिनिमाइज का बटन है, ये स्टोर डाउन का बटन है, ये क्लोज का एप्लीकेशन को क्लोज करने का। दोस्तों इन्हें कमांड बटन कहते हैं, इससे हम अपने पेज को मैनेज करते हैं। मिनिमाइज करना हो मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज करना हो मैक्सिमाइज कर सकते हैं और एप्लीकेशन क्लोज करनी हो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों एक और नया ऑप्शन दे रखा है शेयर का। दोस्तों इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों आपने यहाँ पे जो भी काम किया हुआ है उसको आप इंटरनेट पे सेव करना चाहते हैं यानी क्लाउड पे सेव करना चाहते हैं, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे इंटरनेट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए ऐसा शो कर रहा है। अगर आपके आपके सिस्टम में इंटरनेट होगा तो यहाँ पे क्लाउड का ऑप्शन आएगा यानी कि अपने शीट को आप क्लाउड पे सेव कर सकते हैं और किसी अदर स्टेट में आप बैठे हैं या अदर कंट्री में बैठे हैं या अदर सिस्टम में बैठे हैं वहां से अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों इस ऑप्शन का यही मतलब है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डाटा रिव्यू, व्यू, हेल्प। दोस्तों यहां पे एक ऑप्शन और दिया हुआ है, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का बेहतरीन टूल है। आप अगर नए यूज़र हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा। अगर आप बिगनर हैं एक्सेल में तो आप इस ऑप्शन का जरूर यूज़ करें। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको इसका क्या यूज़ है। दोस्तों जैसे मुझे इन नंबर्स को प्लस करना है तो दोस्तों मुझे नहीं पता यहाँ पे कहाँ है वो टूल जिससे मैं इसे सम कर सकूँ प्लस कर सकूँ। दोस्तों ये ऑप्शन यही बताता है कि टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। तो दोस्तों मैं इसको बताता हूँ कि मुझे सम करना है तो मैं यहाँ पे सम लिखूँगा और ये मेरे सामने एक सर्च रिजल्ट देगा ऑटो सम का, यानी कि इस पर क्लिक करते ही और एंटर करते ही इसने मेरे काम को कितने आसान तरीके से सम कर दिया। तो देखा दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी काम करना हो कॉपी पेज मर्ज रैपिंग टैग्स या कलर या बहुत सारे काम इसके अंदर हैं जो आपको पता नहीं वो टूल कहाँ है और आपको बस उसका नाम पता है, यहाँ पे आप दे करके लिख करके सामने ऑप्शन आ जाएगा और आप क्लिक करते ही सेकेंडों में आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक ये बहुत अच्छा टूल है, आप इसे जरूर यूज़ कीजिएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अभी जैसा मैंने आपको बताया ये रिबन बार होता है, इसमें सभी टूल आपको मिलेंगे। दोस्तों ये सेल है, सेल का सेल एड्रेस इसे कहते हैं नेम बॉक्स, इसमें सेल का एड्रेस आता है, जैसे इस सेल का है D4, इसका है B5। दोस्तों ये है फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार जैसे कि हम किसी सेल में कुछ लिखते हैं तो फार्मूला बार में शो होता है, अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूला यहाँ शो होता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। तो दोस्तों ये कॉलम है, इसे कॉलम कहते हैं और इस तरीके से इस दिशा में जा रहा है हमारा कर्सर, इसे रो कहते हैं। दोस्तों कह सकते हैं कि
एक कॉलम एक रो मिलके एक सेल का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों एक कॉलम और एक रो मिलके एक सेल बनाती है। और दोस्तों यहाँ बात करते हैं, ये है स्टेटस बार। यहाँ पे जो भी हम काम करते हैं यहाँ पे हमारा काम का स्टेटस बताता है, जैसे कितने पेज हैं, किस तरीके का काम कर रहे हो, कितने वर्ड लिखे हैं, वो यहाँ पे शो होता है। दोस्तों यहाँ पे जूम और जूम आउट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, अपनी शीट को आप जूम जूम आउट कर सकते हैं। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे इन्फो लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है प्रोटेक्ट वर्कबुक। दोस्तों इस ऑप्शन का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपने कोई भी काम किया है, अपने वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं यानी सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है ऑलवेज ओपन रीड ओनली। जब भी आप अपने इसको ओके कर देते हैं, तो जब भी आप अपने शीट को ओपन करेंगे तो वो ओनली रीड ओनली होगा, यानी कि आप उसे पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ काम नहीं कर सकते। दूसरा दोस्तों एनक्रिप्टेड विद पासवर्ड। दोस्तों ये ऑप्शन वो ऑप्शन है फाइल पर पासवर्ड लगाने का। दोस्तों आप चाहते हो कि आपकी फाइल को कोई एक्सेस ना कर पाए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं, तो आप इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं क्लिक करके। दोस्तों ये सब चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो दोस्तों अपनी फाइल पे पासवर्ड लगाने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, प्रोटेक्ट योर करंट शीट। अगर आप सिर्फ जैसे कि आपके वर्कबुक में कई सारी शीट दे रखी हैं, उसमें एक शीट में आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं या उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ उसी पे होगा, बाकी सीट पे नहीं होगा। प्रोटेक्ट योर वर्कबुक स्ट्रक्चर। दोस्तों इस ऑप्शन का ये मतलब है कि आपके वर्कबुक में कई शीट हैं और सभी पे आपने प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर का ऑप्शन अवेलेबल कर रखा है, यानी ओके कर रखा है, यानी सिक्योरिटी लगा रखी है, तो आप उस वर्कबुक में कोई भी नेक्स्ट सीट यानी अगली सीट ऐड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रेस्ट्रिक्ट एक्सेस। दोस्तों अगर आपने अपने वर्कबुक को अपनी फाइल को इंटरनेट पे या किसी सर्वर पे आपने होस्ट कर रखा है, अगर कोई एक्सेस करना चाहता है तो वो आपकी फाइल को कॉपी कर सके या ना कर सके, एडिट कर सके या ना कर सके, या प्रिंट कर सके या ना कर सके, वो सिक्योरिटी आपको यहाँ से मिलेगी। ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर। दोस्तों ये ऑप्शन दो कंपनियों जैसे पार्टनरशिप है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपना एप्लीकेशन शेयर कर रही है, लेकिन वो एक्सेस तभी कर पाएगा जो वो आईडी से मिलेगी, यानी कि इस ऑप्शन को क्लिक करते ही आईडी जनरेट होती है, वो आईडी उसको मिलेगी, उस पार्टनर को देना होगा, तभी वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएगा। इसी प्रकार से अगला पार्टनर है, वहाँ से उसने अपनी एप्लीकेशन पे ये वाला ऑप्शन अवेलेबल कर रखा है, तो आपके पास एक आईडी होगी, यानी वो आईडी वहाँ से मिलेगी, तभी आप उनके एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मार्क एज फाइनल। दोस्तों इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप क्लिक कर देते हैं इस ऑप्शन पे, जो आपकी वर्कबुक जो हम अभी काम कर रहे थे, अब हमने इस पे क्लिक किया और उस पर ये चीज़ सिक्योरिटी लग जाएगी। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि इस सीट पर आप सेल इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं, सम का फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, छोटे छोटे जो काम होते हैं हम सेल पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें फाइनली डॉक्यूमेंट्स में लग जाती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चेक फॉर इश्यूज। दोस्तों इसमें इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट्स की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, डिटेल होती है, वो सारी डिटेल को इंस्पेक्ट करता है ये ऑप्शन। चेक एक्सेसिबिलिटी। दोस्तों ये अगर आपके वर्कबुक में या आपकी शीट में कुछ आपने लिखा हुआ है वो समझ नहीं आ रहा है ढंग से, कोई आपने जैसे कि टेबल ली या आपने चार्ट लिया, उस पर रिकॉर्ड चार्ट ऑप्शन से ले लिया, अब दोनों एक दूसरे के ऊपर हो चुके हैं और एक दिखाई नहीं दे रहा, तो आप पढ़ने में असमर्थ हैं, यानी समझ में नहीं आ रहा, डिफिकल्टी हो रही है, तो ये ऑप्शन क्लिक करते ही साइड में एक पैनल आएगा, उस पैनल पर क्लिक करते ही आपको सारी चीज़ें चेक मार्क में दिख जाएंगी, ये इस सीट पर अवेलेबल है, आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वहाँ पर आपको बताएगा कि इतनी चीज़ें आपके एक्सेल में है।
तो दोस्तों आई थिंक इसको समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, चेक कॉम्पेबिलिटी। दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया फीचर है, अगर आप पुराने वर्जन की फाइल इसमें ओपन करते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करते ही आपको ये बता देगा कि ये वाला जो एक्सेल का वर्जन है आपकी फाइल में जो जो काम है वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन मैं आपको बाद में भी सिखाऊंगा, अभी सिर्फ इंट्रो है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्राउज व्यू ऑप्शन। यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है पिक व्हाट यूजर कैन सी व्हेन दिस वर्कबुक इज व्यूड ऑन वेब पेज। तो दोस्तों ये ऑप्शन अगर आप अपने यहाँ से लगाते हो तो वेब पेज पर जो यूजर क्या देख सकता है क्या नहीं देख सकता है, यानी कि शीट के अंदर एंटायर बुक देख सकता है या ओनली शीट देख सकता है। शीट यहाँ पे देखिए, तीन शीटें हैं वहाँ पे मैंने ली हुई थी, तो यहाँ तीनों शीट दिखा रखी है। अगर मैं कहते हैं कि इस पर क्लिक कर देता हूँ, चेकमार्क लगा ही हुआ है पहले से ही, मैं हटा देता हूँ, अब जो बंदा बाहर बैठा है यानी अदर स्टेट में या अदर सिस्टम पे बैठा है वो मेरे फाइल को एक्सेस कर रहा है तो वो दो ही सीट देख पाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा आई थिंक। एंटायर बुक देख सकता है यानी कि सारी बुक के अंदर जितनी शीटें हैं सब देख सके, तो उस यूजर को सब कुछ दिखाई देगा। तो दोस्तों यहां से ओके करते ही आपका ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। आई होप आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।